अंबाला में नहीं रुक रही कोरोना की रफ्तार, आज अंबाला में 160 केस नए कोरोना पॉजिटिव आए। इसके साथ ही आज जिले में दो मरीजों की मृत्यु भी हुई है। इसके साथ ही अंबाला में मौत का आंकड़ा 41 है, वहीं 3 सस्पेक्टेड मौत भी सामने आई है। अब अंबाला में कुल मरीजों की संख्या 4,395 हो गई। वहीं अगर बात करें एक्टिव मरीजों की तो संख्या 792 हो गई है। अंबाला सिविल सर्जन कुलदीप सिंह ने की इसकी पुष्टि। वहीं उन्होंने बताया कि इतने अधिक केस आना हमारे लिए चिंता का विषय है। कुछ लोग डर के मारे भी टेस्ट नहीं करवा रहे, तो हम सभी से अपील करते हैं कि डरे नहीं, अपना टेस्ट जरूर कराएं। पिछले 24 घंटे में जो 160 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं, ये जो 160 मामले सामने आए हैं इनमें 13 मामले बराड़ा से हैं, 7 मुलाना से हैं, 8 शहजादपुर से हैं, 18 मामले चोरमतपुर एरिया से हैं, 44 मामले अंबाला सिटी से हैं और 58 मामले अंबाला कैंट से हैं। इसके साथ ही 102 केस आज डिस्चार्ज हुए हैं और पिछले 24 घंटे में 2 डेथ हुई हैं। एक 72 वर्षीय एक्स सर्विसमैन था, मेडिकल कॉलेज मुलाना में एडमिट था, उसकी डेथ हुई है। और एक 79 वर्षीय लेडी थी, उसकी 24 घंटे में डेथ हुई है। वो बलदेव नगर की रहने वाली थी और ये बुलाना में। और 3 सस्पेक्टेड वो थे, यानी कंफर्म नहीं हुआ, 3 सस्पेक्टेड हमारे उसमें पिछले 24 घंटे में जो अंबाला सिटी में ब्रोथ डेड आए थे, उनका भी संस्कार हमने बिल्कुल जो COVID-19 के प्रोटोकॉल के अनुसार ही उनका संस्कार हमने किया है, क्योंकि उनका रिजल्ट नहीं आया था। उनकी अंबाला सिटी में जो डेथ हुई थी वो सारी की सारी जो आज संस्कार है मेरी हमारी टीम ने ये मान के चलने हैं, अभी किसी को भी कोरोना हो सकता है, हालांकि वो पॉजिटिव नहीं, दो ये कंफर्म पॉजिटिव हैं वही आते हैं। ऐसे जो कोरोना पॉजिटिव जो घर पे नहीं मिलते बाहर घूमते हैं, दूसरों के लिए आपको पता है दूसरों के लिए तो खतरा बनते हैं, कपड़े को भी खुद अपनी बार घूम के आराम ना करके अपने को भी नुकसान पहुँचाते हैं। जो मेन मेरे लिए चिंता का विषय है और आप सभी अंबाला वासियों के लिए भी, कोरोना संक्रमित व्यक्ति अपने घर में बैठे हैं, ना टेस्ट करवा रहे हैं डर के मारे, अभी उनको कोरोना डिक्लेयर हो जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, या घर के सामने पोस्टर लगा देंगे। तो मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है, अभी पोस्टर से ना डरें, पोस्टर उनकी हम उनकी खुद के लिए उनके पड़ोसियों की सेफ्टी के लिए लगाते हैं, और अपना आके जल्दी से जल्दी टेस्ट करवाएं। जितने भी डेथ हो रही हैं तक वो लेट प्रेजेंटेशन के कारण डेथ हो रही हैं, नहीं तो कोरोना में आप आज तक देखिए कि लगभग 3,652 केस ठीक हो चुके हैं और टोटल 4,365 केस आज तक हैं और 702 एक्टिव केस हैं हमारे पास। तो क्योर रेट लगभग हमारी 82-83 702 एक्टिव केस। एक मामला कल बराड़ा में हमने वो था जिन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी और टीम का विरोध करे थे, कल एक मामला बराड़ा में करवाया हमने, बाकी हमने इन्फॉर्मेशन दी है और पुलिस के पास भी इमीडिएटली जो भी टेस्ट होता है पुलिस के पास वो टेलीफोन नंबर चला जाता है, अगर वो मान लो मोमेंट करता है अपने घर से उसके पास जियो लोकेशन उसकी पुलिस के पास होती है और पुलिस भी अपनी तरफ से इंटरव्यू करता है। आपको हमारे जो कोविड केयर सेंटर है, हम बराड़ा में एक कोविड केयर सेंटर एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं, 200 मेडिकल कोविड केयर सेंटर है, 200 अलग अलग रूम हैं हमारे सद्दोपुर में और उनमें से सिर्फ 70 पेशेंट है। इसी तरह भूरेवाड़ा में हमारे पास 120 बेड की फैसिलिटी है, वहाँ पे सिर्फ 45 पेशेंट है, तो हमारे पास अभी तक बेड की कोई वो नहीं। दूसरी है अपनी जो नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन की वो है, हम अंबाला कैंट में और अंबाला सिटी में दोनों जगह यहाँ पे वेंटिलेशन अभी पेशेंट जो भी जिसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन पूर आएगी उसको नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन जो बाईपैप है अब कल आ जाएंगे हमारे, तो कल से नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन जो बाईपैप मशीन होती है वो हम दोनों जगह लगवा देंगे। देखिए अगर सीरो रिपोर्ट अगर बाकी जिलों से वो करें, अभी हमने थोड़ा सा कंटेन करके रखा है इसीलिए लोग इतने पॉजिटिव नहीं हुए, बाकी अगर आप दूसरी जगह का देखोगे तो कई जगह 8%, किसी जगह 10%, 12% और उनके केस हमारे से कम है। तो हमने हम प्रोएक्टिव होके आप इतने दिनों से देख रहे हैं, हम कुछ नहीं,
प्रोएक्टिव होकर केस कर रहे हैं, मैक्सिमम सैंपल जितने भी लिए जा रहे हैं सैंपल ले रहे हो, उन्हीं बंदों के सैंपल हम ज़्यादा ले रहे हैं जो सिम्टोमेटिक है और जिनमें आपको इसीलिए हमारी पॉजिटिविटी काफ़ी आ रही है।